अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग ये मैं शुरू कर रही हूँ लंच टाइम से। लंच में मैंने बनाई थी बिरयानी, और मैंने बिरयानी थोड़ी ज़्यादा बनाई थी। जो सात फैमिलीज है मेरा, मतलब है मेरी बहन की फैमिली और मेरे हस्बैंड की नीस एंड नेफ्यू, तो उनके घर भी मैंने भिजवाई थी। बिरयानी बनी थी बहुत मज़े की। दरमियान में मैंने व्लॉगिंग नहीं की, बड़ा गैप है लास्ट व्लॉग से इस व्लॉग आने में। वो वजह ये थी कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। वो चल के आगे मैं बताती हूँ मुझे क्या हुआ था। और मेरी नंद की डेथ हो गई थी, तो दिल बिल्कुल भी नहीं था, बहुत उदास, बहुत इमोशनल। अचानक से उनकी डेथ हुई थी, तो बस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था फैमिली के लिए। तो कोई व्लॉगिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। तो यहाँ मैंने कहा चलो जब तक बिरयानी थोड़ी ठंडी होती है मैं अपना बीपी चेक कर लूँ। तो मुझे हुआ यूँ था कि मुझे ना आयरन और विटामिन डी की शदीद डेफिशिएंसी हो गई थी, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स होते थे, चलना मेरा मुश्किल हो गया था। तो ब्लड सैंपल के लिए डॉक्टर ने भेजा था, फिर जिसे ब्लड आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी आई थी। और मैंने उन्हें कहा था मुझे लगता है मेरा बीपी भी लो है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपका बीपी मॉनिटर करते हैं, आप ऑपरेटर्स घर ले जाएं और आप ना फिर रिजल्ट्स ला के देना। बीपी हो गया है, तो मैं बीपी मॉनिटर करती थी, उसके लिए मुझे मॉर्निंग में और आफ्टरनून में लेना होता था दो दो दफ़ा रीडिंग्स। तो बस वो मैंने रीडिंग्स ली, और उसके बाद जब तक बिरयानी ठंडी हो गई थी मैंने कहा चलो बिरयानी भी खाती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि कैसा टेस्ट है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिरयानी जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉर नहीं थी, ओनली टेस्ट लाइक अ वॉर भी थी। तो सबको बहुत अच्छी लगी थी, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी थी। मैंने बोनलेस चिकन की बनाई थी, इसलिए आपको बड़े बड़े पीसेस नहीं नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ना मेरी बिरयानी, यहाँ क्या पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ बनाई है बहुत सबको अच्छी लगी है, सिवाय मेरी बड़ी बहन के घर जब मैं इस्लामाबाद गई थी, तो वहाँ टोटल एक किस्म का फेलियर कहते हो गया था। बहुत गर्मी थी, मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी तब, तो बहुत ऐसे जैसे कहते हैं नरम बन गई थी और कुछ खास टेस्ट भी नहीं था। वरना मेरी बिरयानी सबको बहुत बहुत पसंद आती है। मैं ठीक, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड मेरे लिए बहुत परेशान थे। वो मेरे लिए, देखिए सामने मैं आपको फ्लावर्स दिखा रही हूँ, फ्लावर लाए थे जो कि तकरीबन हफ्ता होने वाला है, अब वो तकरीबन मुरझा गए हैं। उन्होंने कहा चलो मैं आपके लिए दोबारा लेता आऊँगा। तो दो रीडिंग्स लेनी होती है ना, एक रीडिंग लेके उन्हें कहा था थोड़ा गैप थे, फिर दूसरी रीडिंग ले। यहाँ मैं दूसरी रीडिंग ले रही हूँ, तो देखें बीपी मेरा कितना लो था, ये अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एस वाई सी, एस लिखा हुआ है ये ऊपर वाली रीडिंग होती है, और डी आई ए डायस्टोलिक होती है नीचे वाली। तो उन्होंने कहा था नीचे वाली थोड़ी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपर वाली ना आपकी जो हेल्दी होती है फीमेल उसकी होनी चाहिए। जो मेरी एज है 100 या 100 से अबव बट बिलो 120, तो मेरा काफ़ी लो था। मेरा तकरीबन 80s में भी था, 79 भी आया था अगर मैं अपने चार्ट पे देखूं तो, लेकिन आज शुक्र है मेरा ठीक था, 99/75 था। मेरा अक्सर इस तरह होता था, फर्स्ट रीडिंग मेरी काफ़ी डाउन जाती थी, जब मैं सेकेंड रीडिंग लेती थी ना वो ठीक रहती थी। ये देखें, ये मैंने सारी रीडिंग्स ली हुई हैं। ये देखें 101 भी आया है, 104 भी आया है, 100 भी आया, और सबसे पहले पहले 89 आया था मेरा ये ब्लड प्रेशर। उन्होंने कहा था ये आपका ना वो है, जब मैंने इनको वापस किया फार्म तो उन्होंने कहा कि आपकी बहुत लो हुई हुई है आयरन, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी लो है, लेकिन आप परेशान ना हों, इससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए एक और रीडिंग लिया है, तो वो 91/67 आया है। मुसलसल फ्लक्चुएट करता रहा है मेरा ब्लड प्रेशर। बस दुआ करें अल्लाह ताला मज़ीद कोई टेंशन ना दे, मज़ीद परेशानी ना दे, मेरी तबीयत भी ठीक रहे, मेरे पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें, मेरी नंद के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला उनके हर आन दर्जात बुलंद करे, बहुत प्यार मोहब्बत करने वाली थी। बस जितना जितना उनके बारे में सोचते हैं फिर दोबारा से वही वक्त याद आ जाता है। अल्लाह ताला हमें भी वक्त के साथ साथ सब्र दे। तो ये जी लंच हो गया था, फिर उसके बाद हस्बैंड आए थे शाम को, उन्हें खाना दिया था, फिर ऊपर आ गए थे हम, तो माल्टे लाए थे हम। माल्टे बहुत बहुत मज़े के थे। माल्टे अगर आप ग्लासगो में रहते हैं तो हमने स्ट्रॉबेरी गार्डन से लिए थे, जो कि कैश एंड कैरी है, और ये सारे के सारे माल्टे हमें 299 में मिले थे। तो शायद मैंने उनके सबसे ऊपर वाला डब्बा उठाया था, उसके ऊपर प्राइस और उसका देखें टैग लगा हुआ है हैंड रिटर्न। तो ये हम माल्टे लाए थे, माल्टे इंजॉय कर रहे थे, फिर साथ साथ मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई मूवी भी लगाएं, लेकिन जो हमारा बेडरूम वाला टीवी है ना वो बार बार वो हो जाता था, मेरा मतलब है जैसे यूट्यूब चला रहे हैं तो वो बार बार हैंग हो जाती थी, जिसकी वजह से हमने ऊपर फिर हम नहीं चला सके थे। तो ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ये उसे अगले दिन का है। अगले दिन में बस मैं डिनर का ही बना सकी थी, डिनर में मंगाया था जी पेपे से पेरी पेरी मंगाया था,
मैंने ये रैप लिया था जो कि मैंने माइल्ड टेस्ट में लिया था, जब से तबीयत ख़राब हुई है स्पाइसी वगैरह मैं नहीं खा सकती, बहुत ज़्यादा मिर्चें लग जाती हैं। और हस्बैंड ने चिकन एक्सेल कहते हैं उसे, वो जो जिनका बर्गर होता है वो मंगाया था, ये देखिए माइल्ड था लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से चीज़ी और स्पाइसी स्पाइसी आपको लग रहा होगा उसकी फीलिंग से। बस ये इंजॉय किया था और साथ साथ फिर हस्बैंड ने फिक्स कर दिया था टीवी का प्रॉब्लम, और हमने मूवी भी इंजॉय की थी। मूवी लगाई थी हमने चीनी काम, जो कि मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट की, रिकमेंड की थी, उन्होंने कहा था बहुत अच्छी है पुरानी, लेकिन दिल भी उसी तरह चाह रहा था फैमिली मूवीज़ देखने का, उस टाइप की मूवीज़ देखने का। तो मैंने कहा था मुझे तब्बू की देखनी है कोई, फिर उन्होंने ये लगा दी थी। बहरहाल हमने मूवी इंजॉय की थी, ये इंजॉय किया था। और बस फिर एक और मेरे पास रैंडम क्लिप भी पड़ा था, मैंने आपको बताया ना कि मज़ीद कोई वीडियोस वगैरह मैं नहीं बना सकी, तो बस जो क्लिप्स थे मोबाइल में वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी और फैमिली में भी एक हो गया था, मैंने जैसे आप लोगों से शेयर किया डेथ हो गई थी। तो बस जो दूसरा क्लिप है वो हमने ऑर्डर किया था पराठा बाग से, पराठा मैंने लिया था कौन सा पराठा लिया था, मैंने फजीता पराठा लिया था और हस्बैंड के लिए कबाब पराठा लिया था। तो यहाँ पे मैं उनको खाना देने लगी थी, खुद भी खाने लगी थी। ये और दिन का क्लिप है, ये रैंडम क्लिप है, मतलब डिफरेंट डेज़ के हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, हम मेरी फैमिली को और मेरी दुआओं को, सॉरी मेरी फैमिली को और मुझे और हम सबको दुआओं में याद रखें। मैं बहुत बहुत दुआ करें, बहुत दुआओं की ज़रूरत है आप सबकी, और मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।